Hello everyone, good morning from Bhubaneswar. Today is 8th of December, Sunday, day 2 of our Bhubaneswar wedding diary. Right now I am here at Amrit's place for haldi ceremony. Abhi fresh hoke, naha dhoke ekdam aa gaye hain Amrit ke jagah pe. Aap dekh sakte ho, piche likha hai. It's around like 11 in the morning. To abhi plan hai ki haldi ceremony hone mein thoda ek der ghanta hai. To pehle breakfast kar lete hain kyunki subah se kuch nahi khaya. Jaldi se breakfast karte hain fir aap logo se milta hoon. Kya bhai? Khane baith gaye itne jaldi? Bahut bhook lagi. Kya hai khane mein? Upma hai. Bundiya. Puri. ये तो सैंडविच खा के आ गया है फिर से खाने बैठ गया डबल सीटिंग बस दे दो तीन चार दे दो नहीं 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 वो खा लेगा आराम से रसगुल्ला उफ माय फेवरेट तुम लोगों को वहां पे लेके जाएगा भाई इट्स ऑलरेडी 11:20 पूरा दिन से टॉवल में ही रहोगे क्या आज मैं आज कोई काम नहीं अपना हल्दी कब है तुमको हल्दी कब लगाएंगे अभी थोड़ी देर वो आएगा ना अच्छा के बाद हल्दी लगाएंगे अच्छा ऐसा क्या होता है लाइक ब्राइड का घर पे वहाँ पे हो रहा है और तुम लोग का यहाँ पे वैसे सेम है ना बोले मछली खाना है मैं देख लिया मैं प्रॉन देख लिया है ना बोले अभी नहीं खाते ज्यादा क्योंकि नहीं खा पाए बनवा लिया अरे मटन हो रहा है दिन में नहीं होगा रात को बस कल सुबह जाना है ना तो क्या हुआ मतलब सुबह 4-5 बजे के पहले हो जाएगा ना खत्म हो जाएगा टॉकिंग यस्टरडे विद अमृत आई गॉट टू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन बंगाली वेडिंग एंड उड़िया वेडिंग सो आई विल कवर देम ऑल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सो यू नीड टू सी दिस ब्लॉग टू गेट एन आइडिया ऑफ दिस एंटायर थिंग मछली दिखाते हैं ये नया बंदा है चलो तुमको मछली दिखाते हैं ये नॉर्मल रोहू कतला जिसको बोलते हैं ठीक है और वो है प्रॉन्स प्रॉन्स बन रहा है रोहू है कतला नहीं है टेकी ऑर्डर दिया अलग आता है हम बंगाली लोग इसका प्रॉन मलाई कड़ी प्रॉन कड़ी बहुत कुछ बनाते हैं मलाई कड़ी एकदम कुछ सोच रहे तुम ठीक है बहुत काम है ईएमआई चुकाना पड़ेगा ये है वो नहीं है बोला कि शादी कब खत्म होगा ये कब जाऊंगा दूल्हा बन के वैसा बोल सकते हो तुम तो अभी हल्दी सेरेमनी इज गोइंग ऑन पूरा फैमिली का जितने भी लोग हैं सब लोग हल्दी लगा रहे हैं अमृत को लास्ट में हम लोगों का बारी आएगा तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं उसको अच्छे से बर्थडे में जैसे केक फेशियल करते हैं वैसे हल्दी वाला फेशियल देंगे उसको लेट्स सी हल्दी लगा रहे थे ना नहीं नहीं अब बोलना 1 2 3 तभी मारेंगे जगह बाकी है क्या कुछ जगह बाकी तो नहीं है केक फेशियल गोल्ड फेशियल हल्दी फेशियल ये और एक बड़े भाई जैसे है ना अपने अरे बालों पे लगा उसका बाल खराब करो नहीं उसका बालों पे जगह नहीं है क्यों ऐसा करता है ये बालों पे मत लगाना प्लीज अरे यहाँ पर भी थोड़ा लगा हुआ है वही बोल रहा हूँ इसके बाद इसका ही होगा ना भाई देखो इधर ये ठीक है हाँ ठीक है फाइन तो अभी के लिए हल्दी सेरेमनी डन बहुत मजा आया एकदम जोश में आके पूरा एकदम हल्दी उठाया इसको होली की तरह उसको मुंह पे मारा लाइक बहुत ही मजा आया दोस्त का शादी है अलग ही किस्म का एंथुसियाज्म है सब में तो राइट नाउ इट्स 1:30 एंड बाकी के लोग वहाँ पे भी फोटो देख रहे हैं कि कैसे आया सब फोटोज वीडियोज तो बाद में सब तो मिल जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है तो अभी प्लान है कि खाना खाएंगे होटल में जाके थोड़ा रेस्ट लेंगे इसके बाद सीधा शाम को आएंगे लंच से पहले आप लोगों को मैं सीधा लेके आया हूँ रसोई घर पे जहाँ पे लंच बन रहा है तो दिखाता हूँ लंच में क्या क्या मेनू है आज ये क्या बन रहा है ये चिंगड़ी चिंगड़ी मलाई कड़ी मछली झिंगा मछली तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं चिंगड़ी चिंगड़ी इधर भी चिंगड़ी उड़ीसा में बोलते हैं चिंगड़ी मलाई कड़ी है ना ये
हम लोग का वो शादी में एक होता है ये प्रॉन और ये वो इलिश इलिश मछ हिलसा वो कंपलसरी है वो तो पतूड़ी जो बनाना लिप में डाल के हम लोग वो करते हैं स्टीम में बंगाल में हमारा सालाजी रहते हैं अच्छा कहाँ पे कलकत्ता में बाली में बाली में अच्छा हावड़ा उधर बात बोल अभी से क्यों माला पहना ये जो बातें हैं ना हाँ। एक रिचुअल है ये अच्छा ऐसा पहनना पड़ता है वो हमको वेलकम करने आया है कि अच्छा, आज अच्छा। आप मेरी मतलब शादी में आओ हमारी मतलब ये थोड़ा डिफरेंस है हम लोगों हाँ। से और कान में फूल भी तो लगाया हाँ, हाँ, हाँ। तू नहीं खाएगा तो बाकी के लोग वहाँ पे बैठे है मैं यहाँ पे चेयर लेके बैठ गया जो ये कम्फर्टेबल लगा तो ये प्रॉन्स प्रॉन मलाई कड़ी चटनी और एक तरह का फिश आ रहा है और राइस और दाल एकदम बढ़िया खाना लंच के लिए हेड दे दो इस साइड में दे दो बस बस बढ़िया आई जस्ट कांट वेट टू हैव दिस हेड ओके सो गाइस देयर इज अ स्लाइट चेंज ऑफ प्लान सो वी हैव करेंटली 3 आवर्स इन हैंड एंड मी एंड सौमदीप एंड शुभजीत डिसाइडेड टू विजिट द प्लेस नेम्ड धौलागिरी पंथिका अच्छा लाइक पांतोशाला तो अभी प्लान है लाइक यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट से एक घंटा टाइम स्पेंड करके वापस हम लोग को होटल पहुँचना है विद इन 6:30 क्योंकि उसके बाद अमृत का वेडिंग जो पार्टी है वहाँ पे भी जाना है तो जितना टाइम है हाथ में वो यूटिलाइज करते हैं सौमदीप कितना टाइम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे पूरा देखने का क्योंकि तुम पहले भी आ चुके हो 15-20 मिनट में बस है क्या यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं शांति स्तूपा है जो बहुत और वार्ड मेमोरियल भी है ना नहीं उसको ही शांति स्तूपा बनाया ना ओके तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा वैसे तो कोई टिकट काउंटर कुछ नहीं देखा मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट है सब लोगों के लिए एंट्री अलाउड है लेट्स गो इनसाइड तो राइट नाउ वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ शांति स्तूपा ऑफ धौलागिरी मेड बाय सम्राट अशोका लाइक इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द दया रिवर व्हिच इज लाइक सिचुएटेड 8 किलोमीटर ऑन द साउथ साइड ऑफ भुवनेश्वर द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा पहले ये पूरा व्यू अच्छे से देख लो क्योंकि गोप्रो के वाइड एंगल से तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पूरा कवर हो जा रहा है एंड संडे के दिन है तो थोड़ा बहुत तो क्राउड है कैसा लग रहा है केवल पहली बार आके अच्छा लग रहा है बुद्ध स्ट्रक्चर देख के वी नीड टू टेक ऑफ आवर शूज चलो यहाँ पे खुलते हैं फिर साइड में खुलते हैं स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है और नज़दीक जाके मैं आप लोगों को फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये देखो इधर से पूरा सिटी का व्यू अच्छे से आ रहा है उधर है दया रिवर जो बोला जाता है कि आफ्टर कलिंग वार जो वार यहाँ पे हुआ था रिवर पूरा आफ्टर दिस वार बिकेम रेड ड्यू टू ट्रिमेंडस ब्लड ऑफ द डिजीज सोल्जर्स वो देख के सम्राट अशोका ने लाइक गेव अप ऑल काइंड ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव थिंग्स एंड मेड दिस शांति का प्रतीक धौलागिरी सच ए ह्यूज एंड जाइगेंटिक स्कल्पचर इट इज ये देखो मेरे को क्या दिखने को मिला है जाइगेंटिक स्लीपिंग बुद्धा प्रणाम सच बताओ तो यहाँ पे ना आता तो बहुत बड़ा मिस हो जाता 3 घंटा था तो वह सोच रहे थे कहाँ पे जाओ समवन वाज सजेस्टिंग उदयगिरी खंडगिरी एंड मेनी अदर लोकल टेम्पल्स बट धौलागिरी वाज फाइनली डिसाइडेड एंड द डिसीजन वाज परफेक्टली राइट मतलब यहाँ के मन को जो शांति मिल रहा है मतलब इतना सुकून है इतना शांत है पीसफुल चारों तरफ है कि आपको लगेगा कि सिटी का जो वाइब्स है जो इतना शोर है वहाँ से बहुत दूर आ गए हो अभी सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है लाइक इट्स अराउंड 3:45 4:30-5 बजे के आसपास पूरा अंधेरा हो जाएगा एक और बुद्ध का स्टैचू दिख गया इस स्कल्पचर देखो गौर से तो ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रणाम सो बाघ इज ट्राइंग टू कैप्चर दिस क्लाउड वाला फुटेज बहुत ही बढ़िया दिख रहा है गोप्रो इज नॉट डूइंग जस्टिस करेंटली
मैं चारों तरफ इसके एक बार चक्कर मारा और उसका हाइपरलेस फुटेज लिया। आप लोगों को शायद वो अच्छा लगा होगा। केवल को देखो कहाँ पे बैठा है भाई, संभल के। हाँ, शादी में आके कुछ गड़बड़ मत करना, बस नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब वही है, बस शांति बहुत है, चुपचाप हवा खाओ, एकदम शांति है, हाइट पे बिल्कुल सेरेनिटी, पीसफुल। ये चढ़ा क्या? वो चढ़ जाएगा, तुमको चढ़ने में दिक्कत होगा। टाइट है, फोटो ले रहा है, उसके लिए साइड में हटना पड़ रहा है। ठीक है, हो गया। मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे सो जाओ, चढ़ना है, आ जा। कैमरा से अच्छा आएगा वाला फोटो। मेरे को तकिया नहीं मिला, बट इसका लैप मिल गया, यहीं पे सो जाओ। क्या बोलता है, बहुत खाना भी खा लिया हूँ, उसके बाद नहीं हो रहा है। देख सकते हो एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है वहाँ पे, सीढ़ियों में बैठ के फोटो ले रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 7 बजे के आसपास 2 लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी होता है, तो जिसको इसको पता है वो अटेंड कर सकते हैं। हम लोग अभी बहुत जल्दी आ गया, जल्दी निकलना भी है, तो हम लोग वो अटेंड नहीं करेगा। अभी यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे थोड़ी देर, उसके बाद निकलेंगे फॉर लिंगराज टेम्पल। राइट, चलो फिर नीचे उतरते हैं। चलो चलो नीचे उतरो। तो अभी प्लान है सीढ़ियों में बैठ के ग्रुप पिक लेना है। नीचे से पूरा ऊपर वाला ये व्यू कवर करना पड़ेगा, देखते हैं आता है कि नहीं। गोप्रो में तो आ जाएगा वाइड एंगल। सो एज ऑफ नाउ बाय बाय धौलागिरी, see you soon in near future, let's go. So as told by Shomodip, within 40 minutes Dhauligiri covered ho gaya. Wohi ek stoop dekhna tha aur aas paas ka pura view lena tha. Ab next stop hai Lingaraj temple, right? Woh city ke andar hi hoga, to fir se 8-10 km jana padega. 15 km. Woh Lingaraj temple pe jaake aap logo se milta hu. So now we are standing just in front of Lord Lingaraj temple, which is regarded as the largest temple of Bhubaneswar, the capital city of Orissa. तो अंदर कैमरा लेना सख्त मना था, तो हम लोग बाहर कैमरा और फोन छोड़ के गए थे। मैं बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पंडा जी ने बोला अंदर लाइक 108 ऐसा छोटा छोटा बड़ा सब मिला के मंदिर है, और अंदर फोटो उठाना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। मंदिर में पूजा दर्शन सब हो गया, इधर से सीधा होटल में जाएंगे, वहाँ पे ड्रेस चेंज करेंगे, फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। Wedding resort finally. The resort name is Sri Sai Angan, situated at the Khandagiri Square. बारातियों के साथ हम सब लोग नाच रहे थे, अभी हालत देख के समझ रहे होंगे कि इतना पसीना हो गया हो एकदम, नाच के पूरा हाल खराब। Without wasting time, let's show you the footage of the Barati dance. Let's show this. 1, 2, 3. देख तेरा रंग श्यामला हुआ बावला लगी नहीं।
beautiful golden. I hope you have really enjoyed the entire footage of the dance. I know ki bahut zyada footage mein dal diya. Amrit is like hum logo ko dekh ke bahar aa gaya seedha nachne ke liye. Usko andar mein jaane hi nahi de raha tha. Bahar nachna padega hum sab logo ke sath. Abhi bhi wo log pahunche nahi hai. Hum log thoda aage aa gaye vlog karne ke liye kyunki sound itna hai ki kuch sunai nahi dega. External noise bahut hai aur main mic bhi carry nahi kar raha hu. Baki logo ko aane do, uske baad hi ek sath andar jayenge. पनीर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा से स्टार्ट. गोलगप्पे नहीं खाना है? तो एज यू कैन सी वहाँ पे बादाम का शरबत, उसके बाद गोलगप्पा, चाट मसाला और पनीर पकौड़ा सब कुछ है. So let's catch up with Sora. We are meeting almost after 1 year, if I am not wrong, right? You are right. सब बढ़िया चल रहा है.
अरे इसका यही फंडा है, लाइक स्टेबिलाइजेशन बहुत स्मूथ है, मैं जितना भी इधर उधर घुमा लूं कैमरा स्टेबिलाइजेशन एकदम ठीक रहेगा। आई एम शूटिंग यू ना, तो इट विल कैच ऑल दिस थिंग्स, इतना वाइड एंगल है। तो अभी थोड़ा स्टार्टर खाने के बाद अभी मैं थोड़ा मटन खा रहा हूँ, मटन और थोड़ा सा फ्राइड राइस लिया हूँ। मटन तो इज़ लाइक शादियों में लाइक माई फेवरेट डिश है, तो और भी लूँगा, पहले ये ख़त्म करता हूँ फिर देखते हैं और क्या है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब पीना पड़ेगा, लेट्स सी हाउ इट गोस। कौन सा फ्लेवर है? बटरस्कॉच, बटरस्कॉच आइसक्रीम माई फेवरेट। राइट, एंड अभी शादी का मुहूर्त है तो अमृत और बाकी के लोग भी उधर जा रहे हैं। हम लोगों का खाना डिनर सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके अभी मंडप की तरफ जाएंगे और शादी का जो रस्म है उसको शूट करने की कोशिश करेंगे। अभी लोग थोड़ा कम है तो आराम से शूट हो जाएगा। अमृत अभी जा रहा है मंडप की तरफ। मज़ा आ रहा है इसे बैठ के? बहुत मज़ा आ रहा है, नींद आ रहा है। इसको तकिया दे दो भाई। आर यू फीलिंग स्लीपी? देख के लग रहा है। और बाग कल जब फोटो उठा रहे थे तो यहाँ का इतना सारा कैमरा मैन है तो फोटो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, वो लोगों को भी ठीक सा एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं भी कोशिश कर रहा था क्योंकि गोप्रो में जूम नहीं होता है, तो कैसे भी करके बहुत सारा फुटेज लिया। आप लोग देख पाओगे पूरा ब्लॉग देखने के बाद। अच्छा गया, आई होप यू विल लाइक दैट। उस्ताद का पूरा डांस है वहाँ पे, पूरा डांस है, यूट्यूब पे डांस कर रहे हो देखोगे। योगेश्वर ओम सिंदूरी पाधने सुघना सुबात प्रम्य प्रथम दिज्वा सुवर्ण तो दौ सुवर्ण उच्चारण कर शुक्ल पक्ष द्वादश्यामित लग्न कर्ण मुहूर्त काम सकेशु एवं गुण विधि विशेषण विशिष्टायां पुण्यति दो गोत्र दुर्गस्य गोत्र सुमा सुमान अशिदेवी रावर्मा अश्वरूपो कारणे नाम्नि कण्डायां जन्तं दोषतत्त्वपुरार्थायो। आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर भुवनेश्वर वेडिंग डायरी, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वेफेयर टू गेट नोटिफाइड अबाउट सच मोर इंटरेस्टिंग फूड ट्रैवल एंड सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वीडियोस। बट बिफोर रैपिंग इट अप डू एंजॉय दिस डांस फुटेज फ्रॉम द वेडिंग डायरी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।
ले।